क्रिसमस के धूम में डूबा झारखंड, सीएम सोरेन ने केक काटकर लोगों को क्रिसमस के दी बधाई। सीएम हेमंत सोरेन आज जमशेदपुर में स्वर्गीय शहीद निर्मल महतो के जयंती समारोह में होंगे शामिल। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाएगी भाजपा, गांव गांव में भाषण के लाइव का हुआ प्रबंध। पशु तस्करों के खिलाफ पलामू पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पशुओं से लदा 22 कंटेनर जब 20 से अधिक गिरफ्तार। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मौसम रहा शुष्क, रांची से अधिकतम तापमान 26 से 27 और न्यूनतम तापमान 7 से 11 डिग्री रहने की संभावना। नमस्कार, हमर झारखंड में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो सीधे रुख करेंगे दिल्ली का पीएम मोदी के संबोधन में। और उसे बाजार में बेचती है ये मॉडल कितने वर्षों से चला रहा है, क्या आपने कभी सुना कि किसी एक कंपनी या सहकारी संस्था ने बाजार पर अपना कब्जा जमा लिया, अपना एकाधिकार कर लिया? क्या आप उन किसानों और उन दुग्ध उत्पादकों की सफलता से परिचित नहीं है जिन्हें डेयरी सेक्टर के इस काम से लाभ हुआ है? एक और सेक्टर है यहां पर हमारा देश बहुत आगे है, वो है पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन। आज भारत में सबसे ज्यादा अंडों का उत्पादन होता है, पूरे पोल्ट्री सेक्टर में बहुत सी बड़ी कंपनियां काम कर रही है, कुछ छोटी कंपनियां भी हैं, तो कुछ स्थानीय खरीदार भी इस व्यवसाय में जुटे हैं। इस सेक्टर से जुड़े लोग अपना प्रोडक्ट किसी को भी कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, जहां भी उन्हें सबसे ज्यादा दाम मिलता है वो अंडे बेच सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे किसानों को, कृषि सेक्टर को इसी तरह का विकास करने का अवसर मिले जैसा पोल्ट्री और डेयरी सेक्टर को मिला है। हमारे किसानों की सेवा में जब बहुत सी कंपनियां व्यवसाय के कई तरह के प्रतिस्पर्धी रहेंगे तो उन्हें अपनी उपज का ज्यादा दाम भी मिलेगा और बाजार तक उनकी बेहतर पहुंच भी संभव होगी। साथियों, नए कृषि सुधारों के जरिए भारतीय कृषि में नई टेक्नोलॉजी को भी प्रवेश मिलेगा। आधुनिक तकनीक के जरिए हमारे किसान अपनी उपज को बढ़ा सकेंगे, अपनी उपज को विविधता दे सकेंगे, अपनी उपज की बेहतर ढंग से पैकेजिंग कर सकेंगे, अपनी उपज में वैल्यू एडिशन कर सकेंगे। एक बार ऐसा हो गया तो हमारे किसानों की उपज की पूरी दुनिया में मांग होगी और ये मांग और लगातार बढ़ेगी। हमारे किसान सिर्फ उत्पादक नहीं बल्कि खुद निर्यातक बन सकेंगे। दुनिया में कोई भी अगर कृषि उत्पादों के जरिए बाजार में अपनी धाक जमाना चाहेगा तो उसे भारत आना पड़ेगा। अगर दुनिया में कहीं भी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की जरूरत होगी तो उन्होंने भारत के किसानों के साथ साझेदारी करनी पड़ेगी। जब हमने दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन बढ़ाया तो हमने आय बढ़ाने के साथ ही उस सेक्टर में ब्रांड इंडिया को भी स्थापित किया। अब समय आ गया है कि ब्रांड इंडिया दुनिया के कृषि बाजारों में भी खुद को उतनी ही प्रतिष्ठा के साथ स्थापित करें। साथियों, कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके जो कुछ भी कर रहे हैं उन सबको बार बार नम्रतापूर्वक सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजूद भी किसी न किसी राजनीतिक कारण से
किसी ने बंधी बंधी राजनीतिक विचारधारा के कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। कृषि कानूनों के संदर्भ में ये जो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, कृषि कानूनों के संदर्भ में उनके पास ठोस तर्क न होने के कारण वो भांति भांति के मुद्दों को किसानों के नाम पर उछाल रहे हैं। आपने देखा होगा जब प्रारंभ हुआ था तो उनकी इतनी मांग थी कि भाई एमएसपी की गारंटी दो, उनके मन में जेन्युइन, तो क्योंकि वो किसान थे, उनको लगा कहीं ऐसा तो ना हो। लेकिन इसका माहौल दिखा करके ये राजनीतिक विचारधारा वाले चढ़ बैठे और अब एमएसपी वगैरह बाजू में क्या चल रहा है, ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की मांगे कर रहे हैं। देश में आधुनिक हाईवे बने, निर्माण हो, जो पिछली सब सरकारों ने किया था, ये लोग भी उस सरकारों में समर्थन करते थे, भागीदार थे। अब कहते हैं टोल टैक्स नहीं होगा, टोल खाली कर दो। भाई किसान का विषय छोड़कर के नई जगह पे क्यों जाना पड़ रहा है, जो नीतियां पहले के समय से चली आ रही है। अब ये किसान आंदोलन की आड़ में उनका भी विरोध कर रहे हैं, टोल नाकों का विरोध कर रहे हैं। साथियों, ऐसी परिस्थिति में भी देश भर के किसानों ने कृषि सुधारों का भरपूर समर्थन किया है, भरपूर स्वागत किया है। मैं सभी किसानों का आभार व्यक्त करता हूं, मैं सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं कि देश को आगे ले जाने के लिए देश के कोटि कोटि किसान आज इस निर्णय के साथ, हिम्मत के साथ खड़े हुए हैं। और मैं मेरे किसान भाइयों बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। पिछले दिनों अनेक राज्य, और ये बात समझनी होगी, अनेक राज्य, चाहे असम हो या इधर राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, ऐसे कई जगह पे पंचायतों के चुनाव हुए, इनमें प्रमुखतया ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही वोट देना होता है, एक प्रकार से किसान को ही वोट देना होता है। इतना गुमराह करने वाला का खेल चलता था, इतना बड़ा आंदोलन का नाम दिया जा रहा था, होला किया जाता था, लेकिन इसी के अगल बगल में जहां जहां चुनाव हुए हैं, उन गांवों के किसानों ने ये आंदोलन चलाने वाले जो इतने लोग थे उनको नकार दिया है, पराजित कर दिया है। ये भी एक प्रकार से उन्होंने बैलेट बॉक्स के द्वारा ये नए कानूनों को खुला समर्थन किया है। साथियों, तर्क और तथ्य के आधार पर, हर कसौटी पर हमारे ये निर्णय कसे जा सकते हैं, उसमें कोई कमी है तो उसको इंगित करना चाहिए, लोकतंत्र है, हमें सब प्रकार का भगवान ने ज्ञान दिया, ऐसा दावा हमारा नहीं है, लेकिन बात तो हो। इन बातों के बावजूद भी लोकतंत्र में अटूट आस्था और श्रद्धा होने के कारण, किसानों के प्रति हमारा समर्पण होने के कारण, हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। समाधान के लिए हम खुला मन लेकर के चल रहे हैं। कई दल ऐसे भी हैं जो इन्हीं कृषि सुधारकारों के पक्ष में रहे हैं, उनके लिखित बयान भी हमने देखे हैं, वो आज अपनी कही बात से ही मुकर गए हैं, उनकी भाषा बदल गई है। वो राजनीतिक नेता जो किसानों को भ्रमित करने में जुटे हुए हैं, जिनकी लोकतंत्र में रत्ती भर भी श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास ही नहीं करते डेमोक्रेसी में। दुनिया के कई देशों में उनका परिचय है लोगों को। ऐसे लोगों के जो भी उन्होंने कहा है पिछले दिनों,
जिस प्रकार के अनिल गर्ग आरोप लगाए हैं, जिस भाषा का प्रयोग किया है, पता नहीं कैसी कैसी इच्छाएं व्यक्त की है, मैं बोल भी नहीं सकता हूं। ये सब करने के बावजूद भी, उन सब चीजों को सहन करने के बाद भी, उसको पेट में उतार करके, मन ठंडा रख करके, उन सबको सहन करते हुए मैं आज फिर एक बार नम्रता के साथ उन लोगों को भी जो हमारे गौर विरोध करने पर तुले हुए, उनको भी कहता हूं, मैं नम्रता के साथ कहता हूं, हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी। साथियों, हम देश के अन्नदाता को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी उन्नति होगी तो पूरे राष्ट्र की उन्नति तय है। सिर्फ आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत की नींव डाल सकता है। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के झूठ को न स्वीकारे, तर्क और तथ्य के आधार बनाकर ही सोचे विचारे। और फिर एक बार देश भर के किसानों ने खुल करके जो समर्थन दिया है, ये मेरे लिए अत्यंत संतोष और गर्व का विषय है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। एक बार फिर से करोड़ों किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं आपसे लगातार प्रार्थना करता हूं, आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का, देश के विभिन्न स्थानों पर जुड़े हुए विभिन्न माननीय मंत्रीगण, गणमान्य व्यक्तियों का, दोनों राज्य मंत्री जी का, और देश भर से जुड़े हुए इस कार्यक्रम से करोड़ों किसान भाई बहनों का हार्दिक कृतज्ञ व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, जय हिंद। बता चले कि पीएम मोदी ने देश के किसानों को संबोधित किया, साथ ही खेती के बारे में भी जानकारी दी। तो बता चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से बात की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती, किसान सम्मान निधि हस्तांतरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री माननीय सौदान सिंह शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जमशेदपुर दौरा, स्वर्गीय शहीद निर्मल महतो के जयंती समारोह में शामिल होंगे सीएम सोरेन। दोपहर आपको बताते चले कि जमशेदपुर मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंच रहे हैं शहर। तो सीएम हेमंत सोरेन जमशेदपुर दौरा है सीएम सोरेन का। बताते चले कि स्वर्गीय शहीद निर्मल महतो की जयंती के अवसर पर सीएम सोरेन जमशेदपुर पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जमशेदपुर दौरा है, स्वर्गीय शहीद निर्मल महतो के जयंती समारोह में शामिल होंगे। वही बताते चले कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार शहर पहुंच रहे सीएम सोरेन।
तो अधिक जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं फोन लाइन। मनोज, जानना चाहेंगे सीएम हेमंत सोरेन का जमशेदपुर दौरा है, क्या सीएम सोरेन पहुंच चुके हैं जमशेदपुर, क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए करिश्मा, अभी तक मुख्यमंत्री जमशेदपुर नहीं पहुंचे हैं, हालांकि इनका कार्यक्रम 1 बजे पहुंचना था जमशेदपुर और करीब 1 घंटे तक जमशेदपुर रहने के बाद ये सीधे जमशेदपुर से बोकारो जाना था, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन अब थोड़ी देर मुख्यमंत्री सुनारी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे स्वर्गीय निर्मल महतो की जयंती समारोह है कदमक उद्यान में, वहां समाधि स्थल पहुंचेंगे, माल्यार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री वापस बोकारो के लिए रवाना होंगे। तो थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जमशेदपुर कर जाएंगे। जी मनोज, एक बार और जानना चाहेंगे क्या कुछ विशेष तैयारी की गई है और कितने देर में क्या कोई जानकारी मिल पा रही है कि सीएम सोरेन पहुंचेंगे? देखिए मुख्यमंत्री लगभग 10 से 15 मिनट में सोनारी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। जो तैयारियां हैं वो तमाम तैयारियां, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हेमंत सोरेन जमशेदपुर पहुंच रहे हैं। जो तमाम आला अधिकारी है, चाहे कोल्हान के डीआईजी हो, कोल्हान के आयुक्त हो, जमशेदपुर के एसएसपी है, उपायुक्त है, तमाम जो पुलिस और प्रशासन के लोग हैं वो सोनारी एयरपोर्ट पर मौजूद है। अब इंतजार है मुख्यमंत्री का, थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद सीधे ये कदमा के उलियान के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि कार्यक्रम में लगभग 40 मिनट देरी से मुख्यमंत्री जमशेदपुर पहुंचने वाले हैं, तो 40 मिनट जब देर होंगे तो एक कहीं ना कहीं दो जगह जाना था जमशेदपुर में, तो वो एक बिष्णुपुर में जहाँ पे चवड़िया गेस्ट हाउस है वहां पर माल्यार्पण करना था, तो हो सकता है कि वो कार्यक्रम रद्द हो, लेकिन कदमा का उलियान में जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जी बिल्कुल मनोज, चलिए हम आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। पलामू से खबर, पुलिस के पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां तस्करी के लिए जा रहे 17 गाड़ी पशु जब्त किए गए, छतरपुर से 15 और मेदिनीनगर से 2 गाड़ी जब्त किए गए। एसपी के विजय शंकर के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की है। बताते चले कि छतरपुर में एसडीपीओ के नेतृत्व में कार्रवाई की गई, तो पलामू पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही। तो अधिक जानकारी के लिए पलामू से हमारे सहयोगी श्रवण सोनी जुड़ चुके हैं फोन लाइन। श्रवण, जानना चाहेंगे पशु तस्करी मामलों में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही, क्या कुछ पूरा है मामला, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ बरामद किए गए? जी बिल्कुल करिश्मा, देखिए कल देर रात जो है वो पशु तस्करी को लेकर एक विशेष कार्रवाई की गई। जो एएसपी हैं, सहायक पुलिस अधीक्षक हैं के विजय शंकर, उनके नेतृत्व में कार्रवाई की गई, जिसमें डाल्टनगंज से एक पशु लदा हुआ कंटेनर जो है वो बरामद किया गया था और उसे एस्कॉर्ट कर रही जो तस्करों की गाड़ी थी, जो माफियाओं की गाड़ी थी, एक बोलेरो गाड़ी जब्त की गई थी और उनसे ही पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि लगभग 15 से 20 गाड़ियां जो है वो इस इलाके से यूपी से होकर वो बंगाल की तरफ जा रही है। उसके बाद टीम ने पूरे जिला को कह सकते हैं कि सैनिटाइज किया और जो भी रूट थे वो रूट लाइजिंग करते हुए सभी जगह चेक पोस्ट लगाए गए। उस दरमियान पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कुल मिलाकर अगर आपको अभी तक की जो जानकारी है 16 कंटेनर जो है वो बरामद किए गए हैं, 3 पिकअप बरामद किए गए हैं और 2 बोलेरो गाड़ी जो जब्त किए गए हैं। तकरीबन 25 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 500 से अधिक जो गायें थी जो गौ तस्करी कर रहे थे वो गौ वंश को जो है वो मुक्त कराया गया है। फिलहाल पुलिस जो है इस मामले में और गहन कार्रवाई कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये तार कहाँ से जुड़ा और इन्हें संरक्षण कौन देता है। जो गायें पकड़ी गई थी उन्हें जो स्थानीय गौशाला है वहां पर उन्हें लाने का काम किया जा रहा है। और एक जो बड़ी खबर इसमें जो एसडीपीओ और एएसपी के विजय शंकर ने बताया कि पुलिस ने जब पीछा करने की कोशिश की तो चिगौना धाम के पास पुलिस जवानों को भी कुचलने की कोशिश की गई थी और उसके बाद पुलिस जवान जो है वो काफी मशक्कत के बाद बाल बाल बचे और उनकी गाड़ियों को जो है उन पर पकड़कर कार्रवाई की गई है। करिश्मा बिल्कुल श्रवण, चलिए तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो पलामू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, पशु तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, खबर बगा से, जहां पीएम किसान योजना के लाभुकों के खाते में राशि स्थानांतरण का प्रखंडों से प्रसारण हुआ। राज्यसभा सांसद ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, किसानों को कृषि बिल से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी दी। विपक्ष कृषि बिल को लेकर भ्रम फैला रहे ये सांसद ने यह बातें कही। वहीं पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर
याद किया गया पूर्व पीएम वाजपेयी के द्वारा किसान हित में चलाई गई थी योजनाओं की जानकारी दी। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो 3 जनवरी तक झारखंड लौट सकते हैं। चेन्नई में उनकी सेहत तेजी से सुधार हो रही, सेहत में लंग्स का ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार अपने हाथों से खाना खाया। उनके बेटे अखिलेश महतो ने कहा कि बेड पर बैठे बैठे उन्होंने भोजन किया और अब उनकी इच्छा है कि वह जल्द से जल्द घर लौट जाए। चेन्नई के क्लिनिकल डायरेक्टर के द्वारा बताया गया कि कोरोना वायरस शिक्षा मंत्री शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो चुके हैं, लेकिन उनकी स्थिति पहले से बेहतर सुधार हो रहा, सामान्य ढंग से सांस ले रहे हैं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। चतरा में भाकपा माओवादी नक्सलियों ने पोस्टर साटकर दहशत फैलाया। पंचायत समिति सदस्य के पति प्रति भूमाफियाओं व पूंजीपतियों के दिए बिचौलियों गिरी छोड़ने की चेतावनी दी गई। नहीं सुधरने पर नए साल में 6 इंच छोटा कर परिवार से दूर भेज देने की धमकी दी गई। जामताड़ा के नारायणपुर थाना पुलिस ने धनबाद सीमावर्ती देवलबाड़ी गांव में छापेमारी कर लाखों रुपए का पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल डीजल तथा किरासन तेल सहित कई ट्रैक्टर, लकड़ी एवं कोयला जब्त किया। यह कार्रवाई प्रशिक्षु आईपीएस नारायणपुर थाना प्रभारी सुधांशु जैन ने गुप्त सूचना के आधार पर किया। वही छापेमारी में पुलिस ने देवलबाड़ी के परेश दास के घर से इन सामानों को जब्त किया। बोकारो में क्रिसमस को लेकर सभी चर्च और गिरजाघरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही। क्रिश्चियन समुदाय में इस पर्व को लेकर सालों भर इंतजार रहता है। इसको लेकर वे क्रिश्चियन समुदाय के द्वारा खास तरीके से भी तैयारी की जाती है। वहीं बीते रात 12 बजे जैसे ही मुक्तिदाता यीशु मसीह का जन्म हुआ, चर्च और गिरजाघरों में घंटे बाद उठे और आतिशबाजी के साथ इस पर्व का आगाज हो गया। जिले भर में क्रिसमस का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा। चर्च में प्रभु यीशु के जन्म के अवसर पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया एवं लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। इस दौरान चर्च में कैंडल जलाकर खुशियां मनाई गई। तो वहीं बताते चले कि कोरोना के कारण चर्च में रात्रि कार्यक्रम नहीं हुए, सुबह में मिसा पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी को कोरोना वायरस के रोकथाम के गाइडलाइन का पालन करते हुए चर्च में प्रवेश कराया गया। इसी के साथ इस वक्त बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।